बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे लानती शख्स के बारे में जिस पर अल्लाह की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम मखलूकात की लानत है। इस दुनिया में से सबसे बड़े जालिमों में से एक यजीद की मौत का वाकया कि जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद यजीद का क्या अंजाम हुआ और यजीद की मौत कैसे कैसे हुई और किस तरह से उसके किए जुल्मों की सज़ा आखिरत से पहले दुनिया में ही मिल गई। मोहतरम अजीज दोस्तों, जब यजीद जालिम ने नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों को शहीद कर दिया और जब वो मलून ये सोचता था कि इस जुल्म की वजह से अरब के सारे लोग मेरी बैत कर लेंगे और मेरे सामने झुकेंगे और मुझे अपना बादशाह मान लेंगे, और वो जालिम यही सोचता था कि कोई भी इमाम हुसैन के बाद मेरे खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन जब यजीद की फ़ौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की बेटियों को कैद करके कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजरने लगा तो रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बेटियों और हज़रत इमाम सज्जाद रजी अल्लाह ताला अन्हों के खुतबे सुन सुन कर लोगों के मुर्दा ज़मीर जगने लगे और फिर यजीद जालिम के ख़िलाफ़ बगावत पैदा हो गई। हर कोई अब यही सोचने लगा और बोलने लगा कि इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये ख़ानदान जिस पर यजीद बदबख्त ने जुल्म किया है, ये ख़ानदान अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान है और जिसने इस ख़ानदान के साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बुरा काम है। और फिर इस तरह से मदीने वालों ने यजीद की बैत करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसके बाद यजीद जालिम ने एक और शर्मनाक काम किया, उसने मदीना शरीफ पर हमला कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, तारीख में लिखा है 3 दिन तक यजीद जालिम की फ़ौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांधकर अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती करते रहे और कुछ वक्त बाद मक्का शरीफ से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। उसके बाद उस जालिम शख्स ने खाना काबा को भी नहीं छोड़ा, उसने खाना काबा पर भी हमला कर दिया और खाना काबा को आग लगा दी। मोहतरम अजीज दोस्तों, तारीख में इस वाकये को वाकये हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद बदबख्त से नफरत करने लगा था, लेकिन ये जालिम यजीद जिसको भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होता है और जब वो इंसाफ करता है तब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों और उनके ख़ानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया। यजीद को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उसकी आंतें जलने लगी थीं। वहाँ के सारे बड़े से बड़े हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद का पेट अंदर से अपने आप ही ख़त्म हो रहा है, पेट अंदर ही अंदर सड़ रहा है। और उस बीमारी में यजीद को इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था। लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता तो यही पानी उसके पेट को जलाता था और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। और उसके महल के लोग यजीद की ये हालत देखकर कहते थे कि ये आज़ाब इस जालिम पर इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी ये हालत देखकर महल के लोग कहते थे कि क्या फ़ायदा ऐसी बादशाही हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। दोस्तों, एक दिन यजीद अपने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे मुआविया को बुलाया और अपने बेटे मुआविया से कहने लगा कि बेटा, ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है, तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। यजीद के बेटे ने अपनी नज़रों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों का खून लगा है, क्या तुम ये चाहते हो
कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करे। हरगिज नहीं, नवासाए रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त, ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपने ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दूं, उस समय जब यजीद को ये बीमारी हुई थी, यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज़ लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको ये दर्द किसी तरह से महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसे ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता था। तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम भी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफ़ी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा नहीं रुका, यहाँ तक कि यजीद मलऊन का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फ़ौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फ़ौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फ़ौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के कातिल की यही सजा है। दोस्तों इस तरह से यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सज़ा मिली ही, आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्क साब में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, यजीद आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया कि इस ज़मीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैन व सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलून ने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों पर जुल्म किया और उस ख़ानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान था और उन पर ज़्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों अगर आप करबला का पूरा वाक़या सुनेंगे तो आपकी आँखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहाई को पार कर दिया था। करबला के मैदान में प्यारे नबी के ख़ानदान पर बहुत जुल्म और ज़्यादती किया। नवासे रसूल इमाम हुसैन उसे आखिर तक हक और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फ़ौज बहीं खाक में मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फजीलत वाली है। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों की शान बयान करने लगें तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी शान और मर्तबे को बयान नहीं किया जा सकता। बस एक अल्फाज में कह दूं कि बिना इजाज़त जिब्राइल भी उनके घर नहीं आते थे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे ना झुकना, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहना। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया है कि यजीद की मौत कैसे हुई। यजीद की मौत बहुत ही इबरतनाक तरह से हुई। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज इस ज़माने में यजीद की कब्र को कोई नहीं जानता, ना ही उस मलून के बारे में कोई बात करता है। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों का चर्चा हर घर में है, हर मोहल्ले में है और पूरी कायनात में है। और इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक पर जाने के लिए
करोड़ों अरबों लोग तरसते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और करबला की जंग का अंजाम देखिए, करबला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया और घर घर हुसैन है। दोस्तों, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर हमारे बोलने या पढ़ने में हमसे किसी भी तरह की गलती हुई हो, अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदक़े में और हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े में माफ़ करे। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे आमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामियों मददगार हो।